अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं एक और अपना लेक्चर लेके, जो कि क्वाइट ट्रिकी है, लेकिन अगर आप समझ जाएं मेरे इस लेक्चर को पूरा सुने तो आप लोग को ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और एक और बात, आप लोग सबको हार्ट अटैक तो आ ही चुका होगा क्योंकि बहुत जल्द होने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट वन पार्ट टू के प्राइवेट और रेगुलर दोनों के पेपर। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना यार, बिस्मिल्लाह करके पेपर दे के आना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको पास करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2013 का रेगुलर नहीं प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसका पार्ट ए जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इफ़ यू वांट मी टू मेक अप अ वीडियो ऑन दैट तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, वरना आप लोग को अगर थोड़ी मुश्किल के सामने आ रहा है तो मैं उसको अभी बना सकती हूँ वीडियो। लेकिन यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको इसका जो पार्ट बी है उसका थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर असद एंड सन्स यूजेस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच टू एस्टिमेट बैड डेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, एक होती है बैलेंस शीट अप्रोच और दूसरी होती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, और ये है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, दिख तो रहा होगा आपको। देन हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर बताया कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या कितना है, कुल मिलाकर के 6 लाख रुपये, जबकि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारे पास है क्रेडिट साइड पर 3000 रुपये। इट वॉज एस्टिमेटेड कि अनकलेक्टेबल अमाउंट की हमारे पास जो रेट है वो हमारे पास है 1/4 ऑफ 2% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द मंथ। एंड देन हमारे पास यहाँ पर अप्रैल में बताया हुआ है कि टोटल सेल है जो कि 7,50,000 रुपये है, जिसमें से 20% जो है कैश सेल्स का, यानी कैश सेल्स का हमारे पास 20% मौजूद, हमें दिखाया हुआ है कि कितना है। एंड देन अप्रैल 20 को हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का ऑफ मिस्टर अरशद 11,000 रुपये रिटर्न ऑफ है। रिक्वायरमेंट में हमारे पास कुछ ये है कि रिकॉर्ड करनी है एडजस्टिंग एंट्री फॉर डाउट फॉर फुल डेट्स आर ऑफ है शायद ऑन April 30th, और खाली बनानी है हमारे को पार्शल बैलेंस शीट। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपने आसानी के लिए हमने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल की जो अमाउंट थी 6 लाख रुपये वो लिख दी। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमने यहाँ पर CR मतलब होता है क्रेडिट साइड पर, तो हमने क्रेडिट लिख के हमने यहाँ पर 3000 लिख दिया फॉर सेफ साइड, ताकि हमें पता रहे, दिमाग में मालूम रहे। देन अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको मालूम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। देखिए कि अब हमने क्या किया, कैश सेल्स सबसे पहले हमने मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? कैश सेल्स। कैश सेल्स का हमारे पास रेट तो मालूम है, लेकिन हमारे पास पूरी कैश सेल का अमाउंट मालूम नहीं थी। तो हमने क्या किया, उसके रेट पे जो हमारे पास 20% रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल सेल से। तो हमारे पास टोटल सेल कितनी आ रही है, टोटल सेल अमाउंटेड टू 750 यानी 7,50,000 रुपये। तो अब 7,50,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, यू आर गोइंग टू गेट दैट आंसर 1,50,000। क्रेडिट सेल्स मालूम करने का तरीका कुछ ये है कि टोटल सेल में माइनस करेंगे आप कैश सेल। टोटल सेल आपको पता चली गई है कि 7,50,000 रुपये, क्वेश्चन में फिर से आप देख लें 7,50,000 रुपये, और उसमें से हमने माइनस कर दिया कैश सेल जो हमने प्रीवियस में निकाला था 1,50,000 रुपये। अब हमने इसको जब इससे माइनस किया गेट टू नो कि इसका 6 लाख क्रेडिट सेल्स है। अब देन हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या आया, इसका जो फॉर्मूला है बैड डेट एक्सपेंस मालूम करने का। अब हमने क्या किया, बैड डेट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ बैड डेट्स। नेट सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स हमने वो लिख दिया। अब इसका रेट ऑफ बैड डेट्स क्या आएगा भाईजान, यहाँ पर आप आए, आपके पास यहाँ पर हमने क्या बताया था, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस वुड अमाउंट टू, यानी हमारे पास ये तमाम तो जो दिया हुआ है वो अनकलेक्टेबल अमाउंट का, अकाउंट रिसीवेबल का, हमारे अकाउंट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का हमारे पास पे इन्होंने रेट दिया हुआ है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो हम लिखेंगे किस तरीके से, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो हमारे पास आंसर कुछ ये आया 3000 रुपये। अब हमने बनानी है यहाँ पर इसकी जनरल जर्नल एंट्रीज। अब आप देखें ज़रा गौर से, कैश सेल्स जो कि हमारे पास, आप ऊपर वाली डिजिट में लिखेंगे जो हमारे पास आंसर जो हमने निकाला है, जो मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, जो भी हमने किया उसके बाद जो हमारे पास आखिरी में जो आंसर आया कैश सेल्स का, तो वो अब हम लिखेंगे। कैश सेल्स पे हमेशा एंट्री बनती है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अमाउंट हमारे पास 1,50,000 रुपये आ गई, और देन हमने बनानी है दूसरी एंट्री क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स में हमेशा होता है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, अमाउंट जो आएगी वो आएगी 6 लाख रुपीज़। देन हमारे पास बैड एक्सपेंस के हमेशा दो एंट्रीज बनती हैं, एक होती है अलाउंस बैड एक्सपेंस डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस बैड डेबिट अला बैड बे बाई बैड एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस बैड क्रेडिट,
एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैरियर एक्सपेंस क्रेडिट एंड देन हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल हो गई कैश सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल्स की बात थी और बैरियर एक्सपेंस की बात थी और इसके अलावा कोई बात नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें बताया है कि अप्रैल 20 को अकाउंट रिसीवेबल पे हमारे पास मिस्टर अरशद के 11,000 रुपये रिटर्न ऑफ थे। तो रिटर्न ऑफ की हमेशा एक ही एंट्री बनती है जो कि होती है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और जो अमाउंट लिखी हुई थी वो हमने लिख दी, लेकिन हमने तारीख जो थी इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने नहीं लिखा। जो हमारे पास 20 अप्रैल था वही हमने इसका लिख दिया डेट। देन अब हमारे पास अब हम बनाएंगे टी अकाउंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टी अकाउंट में अब हमने क्या बनाया, टी अकाउंट में जो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास 6 लाख रुपए का बैलेंस जो था, हमेशा जो टी अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि डेबिट साइड होती है अमाउंट इसकी अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड पे थी तो हम क्रेडिट साइड पे ही हमने लिखी। तो हमने जो अमाउंट जो थी इसकी अकाउंट रिसीवेबल की वो हमने 6 लाख रुपये इसमें यहाँ पर इसकी बैलेंस लिख दी। और जहाँ जहाँ पर जो हमने जनरल जर्नल बनाया था, जहाँ जहाँ पर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल मौजूद था चाहे डेबिट पे हो चाहे क्रेडिट पे हो, वो हमने अमाउंट उसके हिसाब से लिख दी। तो हमारे पास आंसर कुछ ये आया और हमने इन दोनों को इक्वल किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आया। देन हमने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का भी कुछ इसी तरीके से किया, देन हमारे पास आंसर इस तरीके से आया। एंड देन हमने पार्शियल बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है, एसेट्स और इक्विटीज़, अकाउंट रिसीवेबल हम कौन से लिखेंगे, वो जो हमने यहाँ पर दोनों इक्वल करने के लिए लाया तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन हमारे पास लेस हम करेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, जो कि हमारे पास हमने इन दोनों को इक्वल करने के लिए लाया जो कि 5,000 रुपये हैं, वो हमने इसमें से लेस किया, हमारे पास आंसर आ गया और टोटल एसेट्स हमारे पास कुछ ये बने। और यहाँ पर हमारा होता है इख्तिताम पजीर सवाल और यहाँ पर मैं फंबल होते होते पकड़ा गई हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।